इलेक्शन के हवाले से एक निज़ाम के जो भी हुकूमत आ रही है ना वो डेमो ना दें कि मैं ये करवा दूंगी, मैं वो कर दूंगा, मैं इस तरह हो जाएगा निज़ाम पैरिस बन जाएगा, ये बात ना करें। आपके मैंने ये कर दिया, आप बताएं क्या मैं इस काबिल हूँ। खूबसूरत बात, यही चाहते हैं आप बिल्कुल यही चाहते हैं। सारी बातों का निचोड़ आपने अपनी किया सर, कोई भी खूबसूरत बात, कोई भी हुकूमत है बस ये बात है। हमारी रिक्वायरमेंट तो अभी तक नहीं पूरी हुई, जितने भी मामला चल रहे हैं रिक्वायरमेंट मुताबिक तो बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे मुतालिक जो है ना काफ़ी ज़्यादा मामला को बेहतर करे। अब देखें जिस तरह के मोहसिन नकवी साहब ने खिदमात की हैं, मेरे ख्याल से लोग शहबाज शरीफ को भूल गए होंगे। अगर ये काम इतनी स्पीड में उन्होंने किए हैं, इतने मामलात किए हैं उन्होंने, तो इतने अरसे में 5 साल, 90 दिन वाला वजीर आला CM साहब हमारे जो हैं वो 90 दिन वाले, तो इतनी स्पीड में काम कर सकते, तो 5 साल वाले क्या करते हैं। ये सवाल मैं ये है। बात नहीं कर रहा, मैं ये सवाल है, आपने बात बड़ी प्यारी की अभी तक। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं हाली सिर्फ शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि क्या मामला हुए। मैं जनाब एक आपके थ्रू एक पैगाम देना चाहता हूँ सब हुकूमतों को जो गुजर गई हैं, जो आने वाली हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जिस तरह फैसिलिटेट हो रहा है, इसी तरह जो है प्राइवेट सेक्टर को भी फैसिलिटेट किया जाए और हर बंदे की क्लासिफिकेशन की जाए। मैट्रिक अंडर मैट्रिक वालों के लिए भी एक दर्जात मुकम्मल किए जाएँ कि भाई अंडर मैट्रिक की अब जिस तरह 32,000 रुपया हुकूमत ने सैलरी की है, 32,500 वो किसकी है, अंडर मैट्रिक की है, मैट्रिक की है, FA की है, BA की है, या जिन्होंने लॉ किया उनके लिए है, या डॉक्टर्स के लिए है, या PhD के लिए। जो गरीब तबका है ना वो अमल उस पर अमल तक आता ही नहीं है। तो अब जब हम इस चीज़ को कानून मानते हैं जो हमारे तक इम्प्लीमेंट होती है कोई भी चीज़, जैसे FBR का एक इमरान खान के दौर में आया, वहाँ पे मुझे तब महसूस हुआ जब मैं खुद रजिस्टर्ड हुआ। क्या आया? FBR का निज़ाम आया। अच्छा, तो हर बंदे ने टैक्स दहिंदा बने, तब पता चला कि यार अब हम हमारे तक पानी चढ़ गया। नहीं तो हमारे वाला जो तबका है वो तो यही देखता है यार, अच्छा जी तो आएगा वक्त देखा जाएगा, जो आएगा इसलिए जाता है ना कि हम लोगों पे लगाया जाए।